लगातार हम रियासी से इलीगल कामों के ऊपर खबरें जो है वो कर रहे हैं, रिपोर्ट्स बना रहे हैं। एक और इलीगल काम रियासी जिला हेडक्वार्टर के बिल्कुल नज़दीक चल रहा है। 12 से 13 राफ्टिंग पॉइंट जो हैं वो लगातार यहां पर लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं बिल्कुल भी उनके खिलाफ नहीं हूं जो यहां पर रोज़गार भी कमा रहे हैं, लेकिन भाई साहब आप ऐसे रोज़गार का क्या करोगे? जब कभी खुदा ना खासा कोई एक्सीडेंट अगर हो गया, किसी यात्रु की अगर मौत हो गई, तो आप उनकी भरपाई किस कदर करोगे? ये एक आपकी ही भलाई है। आप पूरे प्रॉपर दस्तावेजों के साथ जो है वो अपनी राफ्ट को इस दरिया चिनाब में लाइए। ऑलरेडी इस दरिया चिनाब ने कईयों की जिंदगियों को ले लिया है, लेकिन रियासी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ना जाने क्यों कुंभकर्णी नींद सोई हुई है। हर तरफ जो है वो इलीगली काम यहाँ पर चलते हुए नजर आ रहे हैं, और जेके मीडिया के माध्यम से हम लगातार आपको प्रकाश में ये खबरें लाते रहते हैं कि इलीगली काम कहाँ कहाँ चल रहे हैं। एक तरफ जो है वो दरिया चिनाब में खनन जो है वो अवैध तरीके से चल रहा है, और दूसरी तरफ दरिया चिनाब में भी जो है वो राफ्टिंग इलीगली यहाँ पर चल रही है। यहाँ पर कुछ युवा जो है वो रोजगार जरूर कमा रहे हैं, उनके रोजगार के हम बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है। फिलहाल जो NOCs जो टूरिज्म डिपार्टमेंट को मिलनी चाहिए थी, जिसके बदौलत उनको इन लोगों को परमिशन परमानेंटली मिलनी थी, वो फिलहाल नहीं मिल पाई है, जिसकी वजह से आम लोगों की जिंदगियाँ जो है वो खतरे में पड़ी हुई हैं। जो लोग इसके ऊपर देश विदेश के कोने कोने से आ करके इस राफ्ट के ऊपर जो है वो जो राइड है वो करते हैं, और लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि ये इसका प्रॉपर जो है वो दस्तावेज नहीं है। हमें अगर हमारा कोई नुकसान हो गया तो उसकी भरपाई आखिरकार कौन करेगा? मैं मुख्य तौर पर ये कहना चाहता हूँ, आज AD टूरिज़्म यहाँ पर मौजूद थी अंबिका बाली, उन्होंने यहाँ पर आज कार्यक्रम बड़ी बखूबी के साथ यहाँ पर रचा, राफ्टिंग रिवर फेस्टिवल जो यहाँ पर बनाया गया। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैडम जी आपने अपने फंड्स निकलवाने के लिए फेस्टिवल का आयोजन किया था, लेकिन यहाँ पर जो पूरे दस्तावेज इन लोगों को चाहिए, जो लोगों को राइड करवाते हैं, उसके ऊपर आपने अमल नहीं फरमाया। क्यों आप लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? आपने अपने फंड्स निकलवाने थे, अगर वो आप कार्यक्रम ना करते ना, आपके वो पैसे लैप्स हो जाने थे। आपने इसी के चलते जो है वो यहाँ पर कार्यक्रम रचवा दिया, लोगों की तालियों की बौछारें जो थी वो सुन ली और आप चले गए अपने घर को। कल को कुछ यहाँ पर हादसा घटित हो जाता है, कई लोगों की अगर जानें चली जाती हैं इस दरिया चिनाब में, तो उनको इंश्योरेंस कौन देगा? उनका जिम्मेदार कौन होगा? आप उनकी जिम्मेदारी नहीं लोगे, ये एजेंट लोग लेंगे। आप गरीब हैं एजेंट साहब भी, जो आप यहाँ पर राइड करवाते हैं। अगर खुदा ना खास्ता ये पार्ट ऑफ एडवेंचर एक एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कई बार यहाँ पर राफ्ट जो है वो पलट जाती हैं, लेकिन भगवान का शुक्र रहता है कि कोई बड़ा नुकसान होता नहीं है। अगर जिस दिन हो गया, इस दरिया चिनाब ने कई जिंदगियों की जिंदगियाँ ली ली, तो आपको भी बेहद ज़्यादा नुकसान होगा। आप घर के बर्तन बेच करके भी इनके जो इनका नुकसान जो है वो नुकसान की भरपाई नहीं कर पाएंगे। ये कड़वी बातें जरूर हैं, लेकिन बिल्कुल क्लियर कट हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का और टूरिज्म डिपार्टमेंट का कोई आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है, जिस कदर उनको जियोलॉजी माइनिंग डिपार्टमेंट की तरफ से ही NOC नहीं मिल रही है, और पुलिस की तरफ से भी NOC जो है वो नहीं मिली है। और कहा यह भी जा रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन रियासी का भी तालमेल जो है वो बिल्कुल भी टूरिज़्म डिपार्टमेंट के साथ नहीं है, लेकिन लगातार यहाँ पर अपने कार्यक्रमों को रचवा करके यहाँ से निकल जाते हैं। पीछे क्या हो रहा है? ये जिंदगियाँ जो है वो मासूम हैं, इनको पता ही नहीं है कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर टूरिज़्म डिपार्टमेंट और यहाँ की रियासी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है उनकी जिंदगियों के साथ। ये अब सोच से परे हैं। अब देखना होगा कि रियासी एडमिनिस्ट्रेशन क्या कुछ कदम उठाती है। हम बिल्कुल भी साफ तौर पर अभी फिर से कहने वाले हैं कि हम भी जो यहाँ पर रोज़गार कमा रहे हैं युवा, यहाँ पर रोज़गार कम से कम भी 100 के करीब लोगों को रोज़गार मिला हुआ है, इस राफ्टिंग पॉइंट ने दिलवाया हुआ है, लेकिन जो तमाम दस्तावेज पूरे होने चाहिए वो कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन रियासी को, टूरिज्म डिपार्टमेंट को साथ मिल करके अच्छा कोऑर्डिनेशन बना करके इन युवाओं को दे देने चाहिए, ताकि अच्छे तरीके से यहाँ पर टूरिज्म सेक्टर को भी बढ़ावा दे पाएँ और रोज़गार भी कमाएँ। हम रोज़गार के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है, टूरिज़्म सेक्टर के भी खिलाफ नहीं है, लेकिन प्रॉपर दस्तावेजों के साथ, ताकि इन जिंदगियों के साथ खिलवाड़ ना हो। जब खिलवाड़ होगा तो बुरा मैसेज यहाँ से लेकर के जाएंगे और हमारे जम्मू कश्मीर के जिला रियासी का नाम बदनाम होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेंद्र शर्मा के साथ करणदीप सिंह, JK मीडिया, रियासी।